तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग थोड़ा सा खुद ही पूछता है, क्या तुम वही पर्सन हो जो उस दिन लियू उदान के साइड में खड़े थे? जिस वक्त ऐसी क्या था, हाँ मैं ही ब्रदर उदान का राइट आर्म हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए? लगता है उस दिन बोर्ड से गिर गए, तुम्हारे दिमाग में चोट आ गई है। तब लियोंग पूछता है, कहाँ है मेरा लॉकेट जो उस दिन तुम लोगों ने मुझसे छीना था? जिस वक्त ऐसी क्या था कि वो बता सा लॉकेट उसे तो ब्रदर उदान ने उसी दिन बेच दिया था। तब लियोंग पूछता है कि कहाँ बेचा? जिस वक्त ऐसी क्या था कि अगर सोप का नाम जानना है तो फिर ऑफिशियल फाइट में मुझे डिफीट करो, मैं बता दूंगा। तब लियोंग भी अब स्माइल करते हुए क्या था, ठीक है अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही खुजली है तो फिर मैं तुम्हारी खुजली जरूर मिटाऊंगा। आखिर उस लियू उदान के तुम दाहिने हाथ जो हो। जिस वक्त कैंची स्माइल करते हुए क्या था कि बकरा फांसिया, और फिर कैंची अपने लोगों से याद आई, जल्दी जाओ किसी एल्डर को बुला के लाओ, हमें यहाँ पे ऑफिशियल फाइट स्टार्ट करनी है। तब ये लोग वीएस ब्रदर कहते हुए निकल जाते हैं। जिस वक्त ऐसी क्या था कि शॉप का नाम जानना है ना, चलो एरिना में मैं तुम्हें शॉप का नाम बताता हूँ। और अब थोड़ी देर के बाद सीन चेंज होता है और हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस फाइट की खबर सुनते सारे डिसाइबल देखने के लिए आ जाते हैं। और देखते हैं क्या है कि आखिर इस गांव के गवार को क्या हो गया जो इसने ब्रदर कैंची की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। कैंची ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर 5 हिट करेगा और इसका काम यहीं पे तमाम हो जाएगा। तब कैंची अब लियोंग के पास आ ही रहा होता है, तभी इसका चमचा क्या था कि ब्रदर संभल के, मैंने अभी भी सुना कि इस लड़की ने तेंसवा शॉट टेक्निक जो अधूरी थी उसे भी समझ लिया, इसलिए आप इसके पावर्स को अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। जिस वक्त कैंची क्या था कि अंडरएस्टिमेट बराबरी वालों को किया जाता है, ना कि इसके जैसे वेश को, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूव लगेंगे इसे ख़त्म करने में। तब ये शमशा क्या था कि ब्रदर बात को जरा समझो, बोर्ड से गिरने से पहले ये कैसा था और अब ये कैसा बन गया है? पहले ये हमें देख के अपना रास्ता बदल लेता था, लेकिन आजकल इसकी आंखों में डर 1% भी नहीं दिख रहा। और क्या आपने इसी लेवल से नोटिस किया, चूंकि अब फाउंडेशन रिलम के 5वें लेवल में पहुंच चुकी है। उस दिन के इंसिडेंट से पहले इसी लेवल फाउंडेशन रिलम पर भी नहीं पहुंची थी, लेकिन आज अचानक इतना ग्रो कैसे हो गया? जिस वक्त कैंची अब और भी गुस्से में लियोंग की ओर बढ़ते हुए क्या था कि हाँ बात बिल्कुल सही है, आखिर उस बोर्ड से गिरने के बाद ऐसा क्या हो गया जो ये लप्पू सा लड़का इतना ज्यादा डेयरिंग बाज बन गया? नहीं नहीं अगर ये ज्यादा पावरफुल हुआ तो फिर हमारे लिए ही खतरा बनेगा, इसलिए आज ही मुझे इसे खत्म करना होगा। तब ये एल्डर कह रहे कि ये कोई इलीगल फाइट नहीं बल्कि चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ ऑफिशियल फाइट है, और तुम दोनों में से कोई बीच में हार जाता या फिर हार मान जाता है तो जीतने वाला उसी टाइम रुक जाएगा बगैर कोई अटैक किए। जिस वक्त कैंची कह रहा था कि एल्डर मैंने इसे लाइफ और डेथ की फाइट के लिए चैलेंज किया था, इसलिए हमें से एक द्वंद में मरना ही होगा। तब इतना सुंदर डिसाइबल कहने लगते हैं कि व्हाट द फ्लावर, ये तो ट्विस्ट हो गया, हमने तो सोचा था कि ये बस एक नॉर्मल फाइट होगी। जिस पर ये एल्डर कह रहा था सेट में लाइफ और डेथ की फाइट अलाउड नहीं है, और अगर फिर भी किसी को ये फाइट करनी है तो फिर हेडजोंग से परमिशन लेनी होगी। तब कैंची अब इस एल्डर को बहुत ही अजीब निगाहों से देखता है। जिस पर ये एल्डर इसी सारे को समझते हुए क्या था कि वो तो ये सब लियू उदान का काम है, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचा, आखिर वो सेकंड हेड का बेटा जो है। तब ये एल्डर अब अगर कुछ बोले इस फाइट को स्टार्ट करते हुए क्या कहते हैं कि ये फाइट शुरू किया जाता है। जिस पर लियोंग अपने मन में क्या था कि इसने अभी तो कहा कि लाइफ डेथ का फाइट अलाउड नहीं है, तो फिर बगैर परमिशन के इसने ये फाइट स्टार्ट कैसे कर दिया? लगता है लियू उदान उस सौतेले एल्डर का बेटा, इसलिए उसके ऑर्डर को कोई भी छोटा एल्डर नहीं टाल रहा। तब कैंची अब अपना स्वॉर्ड निकालते हुए क्या था, देखो सीधी सी बात है, लियू उदान तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता, और वो ठहरा इस सेट के सेकंड हेड का बेटा, इसलिए तुम्हें तो खत्म होना ही होगा। ओरिजिनली मुझे तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ब्रदर उदान ने जब कहा है तो फिर मुझे ये करना ही होगा। जिस पर इतना कह दे कैंची अपने स्वॉर्ड टेक्निक को अपेयर कर लेता है, जिसके बाद लियोंग की ओर बढ़ते हुए क्या याद आएगी, शांति से मर जाओ, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तब लियोंग इसके इस अटैक को देखकर एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलता, जिस पर तभी कैंची को समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता है इसके स्वॉर्ड के कई टुकड़े हो जाते हैं, और लियोंग अपलग झपकते इसके पास पहुंचे इसे एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है, जिसे खाते ही कैंची घसीटता हुआ पीछे चला जाता है। तब इसने जाने को देखा सारे डिसाइबल बहुत ही खुद ही कहते हैं कि ये क्या हुआ, उस लियोंग ने तो ब्रदर कैंची को बस एक ही पंच में लिटा दिया। इस सेट में ब्रदर लियू उदान के बाद इसे पावरफुल समझा जाता था, लेकिन हाय रे हाय लियोंग ने तो एक ही गुस्से में इसका कुत्ता भर दिया। जिस पर लियोंग अब अपने मन में कह रहा है मेरी शक्तियाँ कम लेवल होने के बावजूद भी दूसरे उसके ही ज़्यादा इफेक्टिव फुल है, चलो अब इसे निपटाते हुए अपने लॉकेट का पता पूछा जाए। तब यही सोच के लियोंग अब इसके पास आके इसके छाती पे अपने पाँव को रखते हुए क्या था कि बताओ मेरा लॉकेट कहाँ है? जिस पर कैंची भी तुरंत ही बगते हुए क्या था कि तुम्हारी लॉकेट हुई सीडी के फेमस पवेलियन वहाँ तक शॉप में बेचा गया, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें बता दिया। तब लियोंग अपने पैर को उठाते हुए क्या था कि ओ सॉरी डियर, लेकिन क्या तुम भूल गए कि ये एक डेथ मैच है, तुम्ही नहीं तो कहा था कि हारने वाला मरेगा?
और इतना कहते लियोंग अपने पैर से इसके सर को कुचलने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर तभी एल्डर लियोंग की ओर अपने अटैक करते हुए कहते हैं कि दूर हट जाओ उससे। तब लियोंग भी बहुत ही फास्टली इस अटैक से बच जाता है, जिस पर ही एल्डर कैंची के आगे आते हुए कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तब लियोंग कहता है कि ये एक डेथ मैच है और डेथ मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक हारने वाला मारा ना जाए, जिस पर ही एल्डर कहता है कि लियोंग दूसरों को थोड़ा दया दिखाओ, तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, इसके मरने या ना मरने से तुम्हारी जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर ये एल्डर अपने मन में क्या है, सीट बोली उदानी एक नंबर का पागल लड़का है, अगर मेरे होते उसका ये शमशा मारा गया तो फिर वो पागल पक्का मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब लियोंग थोड़ा भड़कते हुए क्या रहा है कि आखिरी बार कह रहा हूँ मेरे सामने से हट जाओ, ये आज मरेगा। जिस पर ये एल्डर क्या है बात को समझे, इस एक्ट में डेथ फाइट अलाउड नहीं है, अगर तुमने इसे जान से मार दिया तो फिर तुम्हें भी कड़ी सजा मिलेगी। तब कैंची के संगी साथी भी कहने लगते हैं कि लियोंग का बच्चा आजकल कुछ ज्यादा ही पैंतरा दिखा रहा है, जब फाइट जीत ही गया तो फिर किसी को मारने की जरूरत क्या है। जिसको पीछे वाला डिसेबल किया था कि ऐसे सेक्ट में मारकट अलाउड नहीं है, ये रूल के खिलाफ है। तब लियोंग किया था कि वो तब मैं ही रूल के खिलाफ हो गया, लेकिन जब ये मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था तब तो किसी ने कोई भी रूल का रबड़ी रोना नहीं किया, मतलब अगर मैं इसे मारूँ तो वो रूल के खिलाफ है, लेकिन अगर ये मुझे मारे तो फिर बिल्कुल सही है, आखिर किस टाइप का दोगला रूल है इसने, और इसके उसली उदा ने मुझे न जाने कितनी बार मारने की कोशिश की है। जिस पर एल्डर कह रहे ठीक है जो कुछ हुआ उसे भूल जा, आगे ये लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तब कैंची के चमचे भी कहने लगते हैं कि बिल्कुल सही, तुम इसे नहीं मार सकते, वैसे हम लोग एक ही सेट से हैं और एक ही सेट के लोग भाई भाई होते हैं। जिस पर लियोंग काफी ज्यादा गुस्से में अपने तैसवास और टेक्निक को अपेयर करते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, ये कभी ना मरेगा और मेरे हाथों से मरेगा। तब लियोंग कितना कहते कहते इसके पीछे बहुत से शॉट्स अपेयर हो जाते हैं, जिस पर एल्डर कहते हैं कि ये तुम क्या पागलपना कर रहे हो, मैं एक गोल्डन रिलम के थर्ड लेवल का एल्डर हूँ, मुझे बीच में एक्शन लेने पे मजबूर मत करो। तब लियोंग अब एक शॉट उठाते हुए क्या आता है, क्या कहा गोल्डन रिलम वो भी थर्ड लेवल का, कोई बात नहीं तुम भी एक्शन ले ही लो, मैं तुम्हें भी ठिकाने लगाता हूँ। और इतना कहते लियोंग इस अटैक को इस एल्डर की तरफ कर देता है, तभी एल्डर इस अटैक को रोकते हुए क्या आता है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिस पर लियोंग तब हजारों शॉट्स इसके ऊपर बरसाते हुए क्या आता है कि मजबूर तो तुमने मुझे कर दिया बुढ़े। तब लियोंग इतना कहते ये सारे शॉट चारों तरफ से इसके ऊपर बरसने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ भी समझ में आ जाता है कि लियोंग दया भावना रखने वाला हिंसावादी आदमी नहीं है। जिस पर ये एल्डर अब मुस्कुराते हुए क्या आता है कि इडियट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। और फिर से एक साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।